हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सीएससी में बीबीपीएस की सर्विस कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। आपको अगर बीबीपीएस की सर्विस के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रिक बिल, आपकी मोबाइल फ़ोन बिल्स, या तो मोबाइल फ़ोन रिचार्ज या तो डीटीएच, ये सारे आपकी बीबीपीएस की सर्विस स्टार्ट होने के बाद ही सारी चीज़ आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मेरे थोड़ा सा जुकाम की वजह से मेरा गला ख़राब है। तो आपको बी बी पी एस की अगर सर्विस अगर आपको एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट्स, अकाउंट्स में आके यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल। आपको प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद, जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। आप यहीं पे देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स, आपकी बैंक डिटेल्स, पैन डिटेल्स, की शॉप डिटेल्स, आपकी बीबीपीएस डिटेल्स। आपकी जैसे बीबीपीएस डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पे एजेंट आईडी दिखाई देगा। आपकी एजेंट आईडी आ जाएगा, आपकी मोबाइल नंबर आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो एजेंट मोबाइल नंबर, एजेंट ईमेल आईडी, एजेंट पैन कार्ड नंबर, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाता है। जब आपकी एक्टिवेट होगा आपकी आईडी, तभी आपके यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो नहीं शो करेगा। आप अगर पहली बार आप इसे एक्टिवेट कर रहे हो, या तो नया लिए अपना ये सीएससी आईडी नया क्रिएट हुआ है आपकी, तो आपको इसे सबसे पहले से एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट के लिए आपको क्या करना है, आपको फ्रंट पेज पे आ जाना है। इसे मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। फ्रंट पेज पे आने के बाद आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप बीबीपीएस सर्विस। तो आपको इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक्टिवेट है, इसलिए आप एक्टिवेशन के ऑप्शन नहीं आ रहे। पर आप अगर पहली बार अगर इसे एक्टिव करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे एक्टिव करने के, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन आता है, आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ से आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी कितना कमीशन मिलता है, ये सारी चीज़ आपको मैं लाइव दिखा दूंगा। जैसे मैं एक रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। तो मेरे आए बी बी पी एस की आपकी जो सर्विसेज है सारे मेरा एक्टिवेट है। तो यहाँ पे मैं टेलीकॉम पे आ जाता हूँ। टेलीकॉम पे आके मैं यहाँ पे एक रिचार्ज करके दिखा दूंगा आपको। तो टेलीकॉम पे आ गया, तो यहाँ पे मैं मोबाइल प्रीपेड पे आऊँगा। तो जिस पे जो जिस कंपनी पे मुझे रिचार्ज करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन कस्टमर के यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो आपकी मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे जितने भी ऑफर होगा, या तो जितना भी आपकी रिचार्ज या पे अमाउंट होगा यहाँ पे दिख जाता है। आपकी देख सकते हो यहाँ पे डाटा आपकी, यहाँ पे 3G 4G यहाँ पे डाटा के ऊपर ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे फुल TT, यहाँ पे आपकी जो भी कॉम्बो पैकेज होता है यहाँ पे आपके दिख जाता है। अनलिमिटेड प्लस अनलिमिटेड नेट आपकी, या तो पर डे के हिसाब से जो मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल आपको यहाँ पे दिख जाता है। आप अपने हिसाब से आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे डेट आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कौन से आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैं इसे मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, आप देख सकते हो 259 की है आपके। यहाँ पे पर डे 1.5 GB मिलता है, अनलिमिटेड कॉल मिलता है, SMS मिलता है। आप और भी नीचे की तरफ जाओगे तो और भी चीज़ें आपके धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। आप देख सकते हो 295, आपके हिसाब से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी देख सकते हो 259 की मैं रिचार्ज करके दिखा देता हूँ और प्लस दिखा देता हूँ आपको कितना कमीशन मिलता है। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। आपकी जो वॉलेट पिन होगा, आपको वॉलेट पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं वॉलेट पिन को डाल देता हूँ। देन यहाँ पे आपको सिंपली पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है। आपकी अमाउंट यहाँ पे देख सकते हो 259 की यहाँ पे डेबिट की सक्सेसफुली रिचार्ज की दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोबारा मैं आपको आ जाता हूँ होम पेज पे, आपको दिखा देता हूँ कितना कमीशन मिलता है। तो आप 259 की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा डेबिट जो हुआ है यहाँ पे 249 प्लस 99 वो तो 55 रुपीज़ कटा है। तो यहाँ पे 4 रुपये के आसपास यहाँ पे कमीशन मिला है। तो मतलब इस पर अच्छा खासा आपको कमीशन मिलता है रिचार्ज पे। आपको मैं एक बार इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी दिखा देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मैं आ जाता हूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आने के बाद आपको किसी भी स्टेट के यहाँ पे बिल पेमेंट आप कर सकते हो। तो जैसे आप बिल पेमेंट पे आओगे, आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपकी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो कस्टमर नंबर होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो आपको यहाँ पे कस्टमर नंबर को डाल देना है। तो यहाँ पे मैं कस्टमर नंबर को डाल, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो कस्टमर नंबर को डाल दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया कस्टमर के। देन मोबाइल नंबर अपना डाल के यहाँ पे आपको फैक्ट बिल पे आपको क्लिक करना है। देन आपकी जितने भी अमाउंट होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा।
तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो, तो आप नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे कस्टमर के नेम आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बिलिंग नंबर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आना है, नीचे की तरफ जैसे पाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो बिलिंग का पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अमाउंट के यहाँ पे देख सकते हो टोटल फीस इतना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना जो वॉलेट पिन है, आपको वॉलेट पिन को यहाँ पे डाल देना है, देन आपको पेमेंट कर देना है। तो आपको मैं पेमेंट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वॉलेट पिन में पिन को डाल के मैं यहाँ पे सिंपली पे कर दूंगा। पे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कंफर्म हो रहा है, देन यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, और इस तरह पे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिसीविंग भी आ चुका है। तो आपके सामने यहाँ पे रिसीविंग भी आ जाएगा, आप चाहो तो इसे देख सकते हो, शेयर रिसीविंग ऑन ईमेल, आपकी यहाँ पे ईमेल पे भी कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, आप यहाँ पे डाउनलोड करके भी रख सकते हो इसे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड हो गया, या तो आप यहाँ से प्रिंट करके भी इसे कस्टमर को दे सकते हो। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो इनका जो बिजली बिल था 197 का था, तो 197 पे ज़्यादा कमीशन आपको बनता नहीं। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ इस पर कितना कमीशन आपको मिला होगा। तो 197 पे, तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 197 पे कोई भी कमीशन आपको नहीं मिला। तो ये था अपना जो BBPS की सारे सर्विसेज है। BBPS पे और भी सर्विसेज आता है, जैसे आपकी वाटर बिल आ जाता है, आपके फास्टैग, ये आपके पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, आपकी गैस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जितने भी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, तो टेलीकॉम सर्विसेज या तो जितने भी बिल पेमेंट किए, सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे BBPS की तरफ से आप कर सकते हो। और BBPS की तरफ से जितने भी एक्टिवेशन होगा, और आप जितने रिचार्ज करोगे उस पर आपको कमीशन मिलता है, और कमीशन आपको अच्छा खासा मिलता है। आप जैसे मोबाइल रिचार्ज पे देख सकते हो, या तो बाकी चीज़ों पे भी आपको अच्छा खासा कमीशन आपको मिल जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।